हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। ये स्पेशली उनके लिए है जो क्लास 12th 2020 में पास आउट किए हैं। ओके, आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप का नाम सुना होगा। इंस्पायर स्कॉलरशिप का अभी जो डेट है फॉर्म फिल करने का, वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 15 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको सिंपली इंस्पायर गूगल पे सर्च करना होगा, या फिर ऑनलाइन इंस्पायर सर्च करेंगे तो ये इंटरफेस खुल ए वेबसाइट खुलेगा, और इस वेबसाइट पर आके आप यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रजिस्टर हियर है, यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। और जो 2020 से या इससे पहले भी ऑनलाइन होता था, और जब मेरा सिलेक्शन होता उस टाइम तो ऑफलाइन हुआ करता था, बट अभी के आप जो भी एप्लीकेशन करेंगे ऑनलाइन ही आपका एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो कर दे रहा हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये अपडेट ध्यान रखेंगे 15 जनवरी 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, जो क्लास 12th 2020 में पास आउट किए हैं उनके लिए है, और ये ध्यान रखना है कि जो लोग नेचुरल साइंस में एडमिशन लिया है, बेसिक साइंस में लिया है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा बीएससी में, या फिर बीएससी ऑनर्स में, या इंटीग्रेटेड एमएससी में। इंटीग्रेटेड एमएससी मीन्स बीएससी प्लस एमएससी जो साथ में होता है उसमें एडमिशन लिया हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, पहले से रूल है, तो अगर आपने इंजीनियरिंग या कोई प्रोफेशनल कोर्स में लिया हुआ एडमिशन, तो उस केस में आपको ए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज मेंशन हुआ है कि अप्लाइड एंड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के लिए ए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स या जो भी आपके नेबरहुड में, आप उनको इन्फॉर्म कर देना। बहुत बार होता है क्या, लास्ट टाइम जब मैंने किया था मेरे को भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन जब उस टाइम मुझे बताया गया तब मैंने फिल किया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने इसको 5 ईयर तक मीन्स 2012 टू 2017 तक मैंने इसका बेनिफिट लिया। तो ये आप चीज ध्यान रखेंगे, इसमें आपको बिना एग्जाम दिए, कोई एग्जाम दिए, आपको 80,000 एनुअली मिलेगा। ठीक है, जिसमें 20,000 आपका प्रोजेक्ट का होता है, जो किसी इंस्टीट्यूशन में आपको इंटर्नशिप जिसको कह लीजिए वो करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, बस इसमें कुछ नहीं, आपको अप्लाई करना है और कुछ कंडीशंस फॉलो करना है। कंडीशंस क्या है, जैसे आप उस स्टेट के टॉप 1 लिस्ट में हो। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई और एग्जाम भी दिया, इसमें कुछ लिस्ट मेंशन है, मैं शो कर दूंगा, अगर वो क्वालिफाइड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास लिस्ट है कि आप टॉप 1% में आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है, आपको फॉर्म फिल कर देना है और बाकी वो लोग अपना शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑनलाइन एक एप्लीकेशन करना है, और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, यहाँ इस वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन इस पर जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले शो किया था वहां पे, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप मल्टीपल एप्लीकेशन मत फिल करिएगा, मीन्स ये नहीं कि 2 फिल कर दिए 3 फिल कर दिए तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा गलती मत करना, और जो भी वाला इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट आपका एप्लीकेशन रहेगा तो भी रिजेक्ट हो जाता है, पहले भी ऐसा होता था, तो आप केयरफुली इसको फिल करना, और सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स को इमेज के फॉर्म में अपलोड करना। मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बता दे रहा हूँ आपको, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 50 KB में आप इसको रिड्यूस कर लेंगे, बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो जैसे SC ST OBC तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मींस कि आप टॉप 1% में आते हैं, अगर आपके पास लिस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्लास 12th मार्कशीट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, जो 2020 में पास किए हैं सिर्फ उनके लिए है, इससे पहले जो पास किए उनके लिए नहीं है, जो बाद में पास करें उनके लिए भी नहीं है, बाद में वालों के लिए बाद में निकलेगा। और 10th का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो होगा वो डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए। एंड अगर आप मान लो कि जैसे JEE वगैरह के बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, या ओलंपियाड के देते हैं, NTSC का देते हैं, तो इनमें से यहाँ पे लिस्टेड है, इनमें से कोई भी KBPI, JEE, NSTS या NTSC या फिर JEE मेन या एडवांस जो भी आपने किया है, और आपका रैंक अगर 10,000 के अंदर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड एंडोर्समेंट फॉर्म मीन्स आपने कहीं BSc या BSc ऑनर्स या इंटीग्रेटेड MSc में एडमिशन लिया हुआ है, अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब आपने 12th पास कर लिया बट आप कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप नहीं फिल कर सकते, तो आपको ये जरूरी है कि इसके लिए आप कहीं न कहीं BSc में इनरोल्ड हो। ठीक है, या जो भी कोर्स मैंने पहले बताया था उनमें इनरोल्ड हो, तो ये मैंडेटरी है, और इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे होता है ना, बहुत सारे नेशनल लेवल का चैंपियन किसी और इवेंट में या जो स्टेप्स होता है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और चीज मैं शो कर रहा हूँ कि जैसे हर एक स्टेट का कटअप तो अलग अलग होता है, आप लोग को पता ही होगा, तो 2019 का कटअप आप देख लीजिए, इसी के बेस पे आप आइडिया लगा सकते हैं तो 2020 का क्या होगा।
ठीक है। तो जैसे देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए बिहार का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो बिहार में आप देखिए 73.40% टॉप 1% का गया था लास्ट ईयर का कटअप, ठीक है। तो उसी के इर्द गिर्द कुछ होगा आगे पीछे, तो हर एक स्टेट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से आप मतलब कोई जो एलिजिबल है वो बंदा रह जाए, ठीक है। और सेकेंड थिंग जो मैंने बोला था टॉप 10,000 वाला, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट मेंशन है, अगर इन एग्जाम में से आप किसी एक में भी क्वालिफाइड है विद इन दिस रैंक, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको इसका यह शो कर दो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बीएससी ऑनर्स, इंटीग्रेटेड एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएस कोर्स में जो भी आप एडमिशन लें, आपके इन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे बीटेक, बीई इस टाइप का सब्जेक्ट लिया है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज का ध्यान रखेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, ताकि कोई इसके और कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह का, वो सब मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ, मैं पूरा 5 साल पूरे, मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है कि 80,000 नहीं उठा पाते, 60,000 तो ले लेते हैं, बट 20,000 उनको प्रोजेक्ट करना होता है जो आइडिया नहीं होता, तो इसमें मैं बाद में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा जो लोग क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ।